हेलो। चलो कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो दो टाइप के होते हैं, ये हमने जाना था लास्ट वीडियो में। एरोबिक और एनएरोबिक, सर नाम ही पढ़े थे, मैं कुछ और तो जाना नहीं था। हाँ तो हम जानेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं फिर समझते हैं। नॉर्मली फ्री ऑक्सीजन रिकॉर्डिंग हो रही है। नॉर्मली फ्री ऑक्सीजन इज यूज इन रेस्पिरेशन एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट्स। दिस इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हाउएवर देयर आर न्यूमरस स्टेप्स इन द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, वो कह रहा है नॉर्मली जो फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो हम रेस्पिरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। सर बॉडी में ना फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मतलब जो किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है, जो बिल्कुल ही फ्री है। तो बिल्कुल ही क्या है, फ्री है। ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं वेले, वेला वेली है ना, वेले जो बिल्कुल फ्री होते हैं, एकदम खाली होते हैं। तो एकदम एकदम वेली ऑक्सीजन है, जिसका कोई और काम ही नहीं है, जो एटमोसफेयर में भी फ्री घूम रही है। ठीक है, अगर हमारे अंदर भी, अगर प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस हुई तो वो किसी और काम लगे नहीं, एकदम फ्री है। ऐसी ऑक्सीजन ठीक है यूज की जाती है रेस्पिरेशन में, एंड देर इज कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कम्प्लीटली वो ऑक्सीडेट किया जाता है, ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडेट किया जाता है। ऑक्सीडेट मतलब क्या, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है उसका, है ना, विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और वो क्या, ये क्लियरली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन से। बेशक इस केमिकल प्रोसेस में, केमिकल इक्वेशन बहुत सारे स्टेप्स लगे हुए हैं प्रोसेस में, पर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं ग्लूकोज को जैसे आपने ऑक्सीजन से मिलाया तो कुछ विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया, एनर्जी तो हुई हुई, एनर्जी तो हुई हुई, एनर्जी के साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसीड्स ओनली वेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। वो कह रहे हैं रेस्पिरेशन आगे तभी बढ़ेगी, रेस्पिरेशन आगे तभी बढ़ेगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, एंड देयर फोर इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीबायोटिक बोलो चाहे एरोबिक बायो रेस्पिरेशन बोलो, ये एक वो तरह के रेस्पिरेशन है जो तभी होगी जब ऑक्सीजन होगी, जब ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तभी आगे बढ़ेगी जब वहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, और ऑक्सीजन होगी तो हम ऐसे वाले रेस्पिरेशन क्या बोल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो सर एनएरोबिक क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ना चाहिए होती है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। समटाइम्स सर यहाँ पे, समटाइम्स यहाँ पे नॉर्मली से स्टार्टिंग हो रही है, उसका चक्कर है। समटाइम्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में टेम्पोरेली रेस्पायर। ओके सर, 20 हमेशा रेस्पायर नहीं करते हैं, टेम्पोरेली यानी कभी कभी रेस्पायर करते हैं ये, इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओ हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की नीड भी नहीं है। सर आप पढ़ाओ ही मत, आ गए मेरे को समझ में आ गया। एरोबिक मतलब इसमें ऑक्सीजन की नीड होती हो, और एनएरोबिक मतलब इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती हो। फंसे आ रहे हो। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। सर वहाँ पे कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो पाते हैं। ठीक है, इंटू एथेनॉल, वो किस में ब्रोक डाउन होते हैं, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सर यहाँ पे वाटर नहीं बनता, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो काम है ही है। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ग्लूकोज है, कोई ऑक्सीजन नहीं आया यहाँ पर, कोई ऑक्सीजन नहीं आया, सिंपल सा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो एथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन गई। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज इट प्रोसीड्स इवन विद ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी हो जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनी पार्ट, देखो ये तो डिफरेंस आपको समझ आ गया, थोड़ा समझ के भी चलना है कि सर ये सारे पार्ट्स नहीं करते प्लांट के, थोड़े पार्ट्स ही करते हैं। सर 24/7 नहीं होता ये वाला रेस्पिरेशन, टेम्परेली होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है,
इस वाले पार्ट में ग्लूकोज होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो एक चीज़ आपको समझ के भी चलनी है, ठीक है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन अ फ्यू डेज, यानी ये रेस्पिरेशन थोड़े दिनों से ज़्यादा चल ही नहीं सकता, एंड द पार्ट अल्टीमेटली डाइज, और वो पार्ट बहुत जल्दी मर जाता है। सोचो आप ये बताओ, बिना ऑक्सीजन के आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, बिना ऑक्सीजन के फिर वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट देयर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी व्हिच नॉर्मली रेस्पायर ओनली एनएरोबिकली। लेकिन हमारे दुनिया में, इस वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक यानी जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज हैं, सर्टेन फंगीज हैं, जो कभी भी ऑक्सीजन को नीड नहीं होती, वो रेस्पायर करते हैं ओनली एनएरोबिकली, यानी वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इवन द जर्मिनेटिंग सीड्स व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ एयर रेस्पायर एनएरोबिकली। देखो, कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स ऐसे होते हैं, कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स ऐसे होते हैं कि अगर उनमें एयर की कमी हो जाए ना, एयर की कमी हो जाए तो ही वो रेस्पायर कर लेते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी कर लेते हैं, ठीक है? नंबर फाइव फिगर 7.7 देखते हैं, अभी आगे देख लेंगे। डिफरेंस एक और समझते हैं इनके बीच में, इन शॉर्ट है ना, यहाँ पे ए ऑक्सीजन होती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर एथनॉल बोलो या एथिल एल्कोहल बोलो, बात एक ही है, ये और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है, टेम्परेली चलता है उस टाइम के लिए, ठीक है? गिव द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर द टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स, याद करना पड़ेगा आपको, और अगर ये पूछ रहे हैं प्रोग्रेस चेक में, मैं उसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ठीक है, याद कर लेना। मेंशन एनी वन डिफरेंस अदर देन दोस रिफ्लेक्टेड टू केमिकल इक्वेशन गिवन अबव। सर, इन इक्वेशंस के अलावा कोई और आप डिफरेंस देखते हो तो आपको बताना है, यानी टेबल में से कुछ ही बता सकते हो। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर ओनली एनएरोबिकली थ्रू आउट देयर लाइफ, नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट है, लिख देना, ठीक है? हम मोस्ट तो इसमें एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट रह गए हैं, फिर उसके बाद छोटे दो टॉपिक हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो ही पूरी हो नहीं पाएगी, थोड़े एक्सपेरिमेंट हो पाएंगे, ठीक है? तो हम दो एक्सपेरिमेंट कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, वो पहले आपका प्रूव करके दिखा रहा है। ऊपर से सारी थ्योरी आपको उसने बताई जो आपको लॉजिकल लगी, ऐसा नहीं कि आपको लॉजिकल नहीं लगी, आपको लॉजिकल भी लगी, लेकिन अभी कह रहे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी होती है, क्यों ऑक्सीजन का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन में, ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एंड अपार्टस इज अरेंज एज शोन इन फिगर 7.2। एक सर अपार्टस लोग ट्रांसफर जैसा बर्थ वो सिस्टम पूरा, ठीक है, कहाँ गया 7.2, ठीक है, एक पूरे अपार्टस लो, पूरे सिस्टम लो बेसिकली, ठीक है? फिर क्या करो, एक फ्लास्क ले लो जो कि क्या करे, कंटेन जर्मिनेटिंग बीन सीड्स, जिसके अंदर क्या हो, जर्मिनेटिंग बीन सीड्स हो, यार ये तो प्रीवियस चैप्टर का आ गया, हाँ। एंड फ्लास्क भी हैज डेड सीड्स टुगेदर विद सम एंटीसेप्टिक टू अवॉइड बैक्टीरियल डिके, ठीक है? यानी दो फ्लास्क लो, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी,
फ्लास्क एक में आप ग्रीन सीड्स रखो और फ्लास्क में आप डेड सीड्स रखो, ठीक है। लेकिन डेड सीड्स के साथ एक एंटीसेप्टिक को डाल देना ताकि उससे और ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब खत्म होना, नुकसान होना, डिस्ट्रक्शन कह सकते हो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, वेट कॉटन टू वर्स वाटर टू बूथ सैंपल्स। वेट कॉटन के साथ दोनों सैंपल्स को क्या करो, वाटर दो थोड़ा सा। स्मॉल ट्यूब कंटेनिंग सोडा लाइम इज सस्पेंडेड इन इस फ्लास्क फॉर एब्जॉर्बिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सीड। क्या करें, एक छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स लगा दो, एक छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स लगा दो जिसके अंदर सोडा लाइम थोड़ा सा भर दो। सोडा लाइम से क्या होगा, सोडा लाइम से ये होगा कि जिस अगेन के ना थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और सब फ्लास्क तो बंद है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल नहीं पाते ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इसके अंदर सोडा लाइम डाला गया है, डाला जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठी नहीं आए, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सोडा लाइम उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सोडा लाइम उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ब्लास्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप देखोगे द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड विद फ्लास्क विल शो अ ग्रेटर राइज इन द वाटर लेवल। तो डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब मतलब क्या, ये वाली है ना, ये वाली। तब देखोगे कि फ्लास्क ए में ना, फ्लास्क ए में डिलीवरी ट्यूब बहुत ज़्यादा वाटर का लेवल दिखा रही होगी। देखो यहाँ पे, यहाँ तक का वाटर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। वेन अ बर्निंग पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू ईच फ्लास्क, तो दोनों फ्लास्क में जाकर बर्निंग पेपर लगाओगे आफ्टर रिमूविंग देयर कॉर्क, इन कॉर्क को हटाने का जो आप बर्निंग पेपर लगाओगे द फ्लेम इज इमीडिएटली पुट अप इन फ्लास्क। सर एकदम से आग से निकलने लगेगी, क्यों निकलने लगेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। देन इमीडिएटली पुट ऑफ इन द फ्लेम इज इमीडिएटली पुट ऑफ इन फ्लास्क ए बट इट कंटिन्यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम ब्लास्ट की। लेकिन फ्लास्क की बीमा में थोड़ी सी भरी रहेगी, फ्लास्क की बीमा में थोड़ी देर तक वो आग भी जलती रहेगी। दिस प्रूफ दैट ऑक्सीजन वॉज एबसेंट इन द फ्लास्क ए। इससे ये प्रूफ होता है कि फ्लास्क ए के अंदर ऑक्सीजन था ही नहीं, अगर ऑक्सीजन होता तो फिर आग भी थोड़ी लंबे टाइम तक टिकी रहती, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, आग जल्द ही बंद हो गई। देयर बाय सोइंग दैट इट वॉज यूज अप बाई जर्मेटिक सीड्स। अब क्या, ये सब हमने जर्मेटिंग सीड्स का यूज करके दिखाया था। एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सो यूज अप वॉज इंडिकेटेड बाई द राइज ऑफ वाटर। और कितना हमने ऑक्सीजन यूज किया, नहीं किया, ये सारा हमने वाटर लेवल से हमने पता लगाया है ना। देर आर टू सिंपल क्वेश्चन विच यू कैन श्योरली आंसर। ओहो अच्छा, इन सब क्या आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, देखते हैं। वाई इज देयर स्लाइट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर एंड द डिलीवरी ट्यूब ऑफ फ्लास्क बी। फ्लास्क बी में ऐसा क्यों हुआ कि कम ही वाटर आया, और फ्लास्क में ज्यादा क्यों आया, बता सकते हो? सोचो, एक क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, एक तो क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन नंबर वन। फिर कह रहा है विच ऑफ दी टू फ्लास्क ए और बी इज अ कंट्रोल। दोनों में से कौन कंट्रोल है, दोनों में से यानी कौन सा एक प्रॉपर लेवल में है, आंसर दो। देखो सेकंड वाले के लिए तो उन्होंने हेल्प कर दी है, उस हेल्प करके कंट्रोल का मीनिंग उन्होंने आपको बताया है। क्या बताया, वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल सेटअप। वो कह रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट में दो तरीके के सेटअप होते हैं, ऑब्वियस बात है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो तरीके के एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, दो केस लेकर चलते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और दूसरे एक को बोलते हैं कंट्रोल सेटअप, यानी एक को हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलते हैं, कंट्रोल सेटअप बोलते हैं। किसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, किसको कंट्रोल बोलते हैं, देखते हैं। वो कह रहा है बोथ आर आइडेंटिकल इन विच एवरी कंडीशन इज द सेम। वो कह रहा है बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, विच इन विच एवरी अदर कंडीशन, हर कंडीशन में वो सेम होते हैं एक्सेप्ट वन, यानी एक कंडीशन को छोड़कर वो हर तरीके से सेम होते हैं। हाँ द सेटअप मीन द कंडीशन अंडर द स्टडी इज मिसिंग। लेकिन वो सेटअप, वो एग्जाम्पल जिसके अंदर वो चीज़ मिसिंग है, इसके अंदर पढ़ रहे हो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो, अगर वो चीज़ मिसिंग है तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल, उसको हम क्या बोलते हैं कंट्रोल। जैसे कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके अंदर कम है,
यहाँ पर हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, तो ऑक्सीजन किसके अंदर कम है बताओ, किसके अंदर कम है? इसके अंदर कम थी तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल। ये कंट्रोल है। अब इसका आंसर तो आप मेरे को दोगे कि क्यों थोड़ा सा ये क्यों इसके अंदर क्या कहते हैं, वाई द देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द हाफ, कि इसके अंदर ज़्यादा क्यों इंक्रीज, इनके अंदर क्यों ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर का लेवल ज़्यादा राइज क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये वाला आप मेरे को बताओगे। ठीक है, सोचा मैं बता दूं, मैं बता दूं आपको इसके लिए, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो ऑक्सीजन ना यहाँ से बाहर जाता है, जब ये यहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ पर एक ही अपोजिट प्रेशर लगाता है। अपोजिट क्या लगाता है? प्रेशर लगा रहा था, जिस वजह से वाटर ज़्यादा ऊपर आ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वाटर ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था ही नहीं तो वाटर सीधे सीधे ऊपर चला आ रहा था। ठीक है, एक ही पढ़ते हैं भैया हमें ना, बाकी मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थोड़े से क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे जाऊं, ठीक है? या फिर होमवर्क आए हैं ना, बस यही है।